करने के लिए स्मोक भी कर दिया। अब आपने स्नैप्स को बिल्कुल ओपन में स्पॉट कर लिया। डिपेंड ऑन एफपीवी मोड का यहां पर यूजर्स एंड सोल वीरोस एक्चुअली गेट कीपिंग देम। वेलोसिटी गेम तो ऑरेंज ड्रॉप हो चुकी गेम से बाहर, बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं बीचों बीच कौन सी टीम यहाँ पर उसके खिलाड़ी भी यहाँ पर नॉकआउट रहते हुए एंड टीम को ऊपर हवा बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा स्लैमेन उनको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन एक डर भी है अपर मावी की जोन के अंदर, वो फाइट नहीं होती हुई नजर आएगी। और अगर हम बात की जाए टाइमर की श्रिंक इन होना स्टार्ट हो चुके, तो शायद स्लैम इन ना दिया जाएगा अभी एल्टी को। बिल्कुल स्लैम इन होना चाहिए, अगर यहाँ पर स्लैम इन नहीं डाला तो शायद उतना फायदा नहीं है। आप 2v1 का स्प्लिट ले सकती है, रिज के नीचे की फाइटर टीएसएम से डैमेज आना नहीं है, क्लियर गेट कीप सिनेरियो, यहाँ से वीएलटी का जोन आप पूरे तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। गेमिंग टर्म्स में से कहता है रोटेशन काट दोगे आप अंदर आने ही नहीं दे सकते हो वेलोसिटी गेमिंग को। वाइपर का यहाँ पर प्लान काफी अच्छा लग रहा है, जाने से पहले ग्रेनेड भी किए गए थे, पीछे से अपनी बैक क्लियर करने के लिए स्मोक भी कर दिया। अब आपने स्नैप्स को बिल्कुल ओपन में स्पॉट कर लिया, डिपेंड करता है आपके स्प्रे पर, और वो स्प्रे काफी हद तक लीथल साबित होता हुआ जोन के एज पर 15 मीटर आप जोन के अंदर है। क्या बढ़िया यहां पर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करती है वेलोसिटी गेमिंग का, जोन यहां पर पूरे तरीके से काट दिया जाता है। बड़ा आपको संभलना पड़ेगा पीछे से भी, बिकॉज़ वहां पर आपको टीएसएम परेशान करेगा। हल्की सी डिप है और वो डिप भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लांट है, बड़ी स्लाइट स्लांटिंग एरिया वो वहां पर है। स्मोक्स की यूसेज वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, एंड जब तक वेलोसिटी पूरे तरीके से लिमिटेड नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी नजर भी नीचे रखनी है। फ्रैंक की वापस चलती बग्गी से घूम जरूर से रहे फ्रैंक विलियम के स्पेस यहां पर काफी एक्यूरेट। ओह एफपीवी मोड का यहां पर यूसेज एंड सोल वीरोस एक्चुअली गेट कीपिंग देम सिंगल हैंडेडली यहां पर वीरू अच्छा करते हुए, पिछले मैच में भी अकेले 3 फिनिशेस निकाले थे, बट एक्जेक्टली जो पीछे से स्प्रेज आ रहे थे टीएसएम के उससे चलते यहां पर रॉक्स को भी नॉक कर दिया। देखिए आज जरूरत है यहां पर जितनी भी यहां पर चार्ट नंबर 3 में जितनी भी टीम्स है गाइस उनको मेहनत करने की जरूरत है। तो टीम सोल ने तो वो यहां पर रिस्पांसिबिलिटी ले ली है, उनको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। और आज हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं सेमीफाइनल्स का 50% ऑफ द सेमीफाइनल्स भी हमारे आज खत्म होने वाले हैं, क्योंकि तीसरा दिन है आज यहां पर वेलोसिटी का यहां पर खात्मा होता नजर आएगा। एक बढ़िया मौका था वेलोसिटी गेमिंग के पास, नो डाउट उन्होंने एक बढ़िया वे में 3 खिलाड़ी ऑरेंज रॉक की स्पोर्ट्स के गेम से बाहर करे थे, बट देखिए मैंने भी ले सकते हैं, लेकिन क्या ये डिसीजन टीम सोल के लिए सही साबित हो सकता है, क्योंकि एक पत्थर की जाके वहां पर उन्होंने व्हीकल को रोका, लेकिन हर तरफ से उनके ऊपर ये शॉट्स आते नजर आएंगे। सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके माई भी, एंड शायद ये डिसीजन गलत भी साबित होते हैं वहां पर कार रोकने का। ओ सोल वीरू वहां पर डाउन, गाड़ी रोकी गलत जगह, टीम फॉरएवर को यहां पर हुआ फायदा। कितनी प्यारी है अपनी बीजीएमआई कम्युनिटी, लेकिन आजकल कम क्यों है यूनिटी, एक को प्यार और दूसरे को हेट, क्या दोस्ती के किस्से तुमने यहाँ सुने, नहीं होती इनसे गलती तो फिर कर